अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखें। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में मरहूम वालिदैन को या मरहूम वालिद को या वालिदा को ख्वाब में देखने का अमल बतलाने वाला हूँ। जब किसी के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के बाद सच्ची और अच्छी प्यार करने वाली जो औलाद होती है उसके दिल में जज्बात होते हैं कि मुझे नज़र आ जाएं मेरे वालिदैन या मेरी वालदा या मेरे वालिद वहाँ किस हाल में है और मैं उनको देख लूँ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। आज ये बात आप समझ लीजिए कि ये जो ख्वाब नज़र आते हैं ये ख्वाब नज़र आना इंसान के इख्तियार में नहीं है। कभी ये नफ्स के तकाजे की वजह से और कभी शैतानी ख्यालात और वसाविस दिमाग पर हावी हो जाते हैं उसकी वजह से और कभी अच्छे और सच्चे ख्वाब ये अल्लाह की जानिब से अच्छे और सच्चे बंदों को दिखाए जाते हैं। इसलिए ये सोचना कि कोई किसी तरह मेरे वालिदैन ख्वाब में नज़र आ जाएं और उसके लिए किसी वजीफे की तलाश में रहना ये समझदारी की बात नहीं है। किसी भी अज़ीज़ किसी भी मोहब्बत रखने वाले किसी भी प्यारे के इंतकाल के बाद उसको ख्वाब में देखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यह ख्वाब में नज़र आने के लिए वजीफ़ा पढ़ना कोई समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात तो ये है कि उस अज़ीज़ उस प्यारे या मरहूम वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके लिए इसाले सवाब करें। इसलिए कि इसाले सवाब जब आप करेंगे नेकियां करके सवाब उनको पहुंचाएंगे सदका करके कुरान की तिलावत करके गरीबों की मदद करके तो उस सवाब का उनको वो सवाब वहां तक ज़रूर पहुंचेगा और जब वो पहुंचेगा तो उससे उनको फ़ायदा होगा। अगर वो मुसीबत में भी होंगे तो उस सवाब की वजह से उस मुसीबत से उनको छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपने ख्वाब में अपने वालिदैन को किसी वजीफे के ज़रिए से देख लिया या अल्लाह ने दिखला दिया या आपको नज़र आ गए अल्लाह ना करे वो मुसीबत में आपको नज़र आए तो आपकी टेंशन और बढ़ जाएगी। जबकि वो ख्वाब है कोई ज़रूरी नहीं वो सच वैसा ही हो जैसा आपने देखा है। और अगर ख्वाब में आपने अपने मरहूम किसी प्यारे को अच्छी हालत में देख लिया तब भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि वो ख्वाब है पता नहीं रियल ज़िंदगी में वहाँ क्या है क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। इसलिए इस चक्कर में न पड़ के कि मेरे वालिदैन मरहूम मुझे ख्वाब में नज़र आ जाएं किसी वजीफे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं बल्कि समझदारी और अक्लमंदी की बात यह है आप अपने मरहूम वालिदैन के लिए इसाले सवाब करें। इस काम के करने से नेकियां करके उनको सवाब पहुंचाने से यकीनी तौर पर इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा उनके दर्जात में तरक्की होगी और अगर वो किसी मुसीबत में फंसे हुए होंगे अल्लाह उस मुसीबत से उनके निकालने का रास्ता बना देगा। आपके ख्वाब में देखने से या आपको उनका ख्वाब में नज़र आ जाने से उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ऐसा काम की तमन्ना रखना जिसके ज़रिए से ना तो आपको फ़ायदा है ना उनको फ़ायदा है क्या फ़ायदा है ऐसे चीज़ की और ऐसे काम की तमन्ना ही ना की जाए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त हैं फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।